नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट किसी स्टॉक को लेकर आए हैं पर्टिकुलरली, तो वो है VBL यानी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के शेयर में आज 6.5% की एक भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है बीते 2.5 सालों से। स्टॉक का प्राइस 1700 रुपये का लाइफ हाई लगा चुका है और आज का हाई भी अगर आप देखोगे तो 1700 रुपये है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टर्स को नुकसान दिया है इस कंपनी ने। हाँ, आज किसी ने लाइफ हाई पे खरीदा है वो जरूर दिक्कत में आ गया, परेशानी में आ गया है। लगभग 6.5% स्टॉक टूटा है, 101 के पीई पे आके खड़ी हो गई है कंपनी। तो ये चीज़ आपको कभी अवॉइड नहीं करनी चाहिए कि वैल्यूएशन टर्म्स में महंगी दिखेगी आपको। एक मल्टीबैगर स्टॉक है, पेप्सी का कारोबार भारत में पैकेजिंग वगैरह का संभालने का काम करती है कंपनी और बहुत ही दमदार कारोबार है। हमेशा ऐसी कंपनीज को हम सर्दी में खरीदते हैं क्योंकि गर्मियों का प्रोडक्ट है ये, बाकी तो लाइफ लॉन्ग इन्हें होल्ड करना चाहिए। मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आज कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट है, उनमें से एक है रिजल्ट, स्टॉक स्प्लिट और कुछ कमेंट्री। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले स्टॉक स्प्लिट बता देता हूं, 5 की फेस वैल्यू से कंपनी का शेयर 2 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा और उसी रेशो में आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे और उसी रेशो में शेयर्स का प्राइस घट जाएगा। दैट्स इट, इससे आप टोटली अवॉइड इग्नोर करें। ये एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है कंपनी की तरफ से जो कंपनी करती है कंपनी का शेयर अफोर्डेबल बनाने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है जी, मेन है रिजल्ट और आगे को लेकर आउटलुक कमेंट्री कंपनी की तरफ से। तो मैंने ना रिजल्ट्स पढ़े इस कंपनी के, तो मेरे को रिजल्ट्स में कोई कमी दिखी नहीं। देखो, ऑब्वियस है जिस तरीके का काम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करती है इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर नहीं सकते हैं, हम करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्यों? अब ये जो जून क्वार्टर आया है आपके लिए, ये कब तक का है? अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में गर्मी पड़ गई है भयंकर। अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से, तो क्या मैच करेगा? ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गर्मी में लोग कोल्ड ड्रिंक्स को प्रेफर करते हैं ना कि सर्दी में। तो हर कंपनी के नंबर्स को किससे कंपेयर कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर। तो मेरे को तो कुछ खराब दिखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 5611 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 7197 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ वो भी नॉर्मल है, कोई हाई नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा 1511 करोड़ के सामने 1991 करोड़ है, तो अच्छा है। मार्जिन 27% के 28% है, बहुत अच्छा है। अदर इनकम 42 करोड़ के सामने 44 करोड़ है, सिमिलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1005 करोड़ था, अभी 1265 करोड़ है, 20% का जंप है, तो कहाँ कोई दिक्कत है, सब तो अच्छा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने को बोला तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मोर देन 100% का जंप है प्रॉफिट में, ठीक है, पर उससे हमें कंपेयर नहीं करना, हमें कंपेयर साल दर साल ही करना पड़ेगा। तो 20% का एक जंप है, तो रिजल्ट्स तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं, कोई इशू है ही नहीं। फिर स्टॉक का प्राइस क्यों टूटा है? नो वन नोज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ और है तो नहीं, नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ कमेंट्री शेयर करता हूं। कंपनी MD सेज विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन अ की क्वार्टर वी आर ऑन ट्रैक टू डिलीवर हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ इन दिस कैलेंडर ईयर। डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, वो भी हेल्दी, कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को लगता है केवल और केवल एक इवेंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, अदरवाइज इस स्टॉक में बहुत दम है और बहुत अच्छा लगता है। बस वैल्यूएशन मेरे को अगर थोड़ा नीचे होता तो ज्यादा मजा आ जाता। अभी 100 के पीई पे मैं उतना कंफर्टेबल तो नहीं हूं। मेरे को नहीं लगता किसी को भी डरना घबराना चाहिए और मैं ये कहूंगा कि पहला बाइंग रेंज तो आ चुकी है 1560 पे, जहां पे स्टॉक खड़ा है बाइंग रेंज ही है, और अगली बाइंग रेंज 1460 की होगी जहां पे आपको निवेश के रूप में देखना चाहिए, स्टॉक को खरीदना चाहिए। और स्टॉक ने लगभग 1400 रुपये करीब एक बड़ा बेस भी क्रिएट करा हुआ है, एक साल में बेस वही है 1400 रुपये करीब का। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से सोचो और इन्वेस्ट करो और आराम से बैठो क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंपनी है वरुण बेवरेजेस। इसके प्रोडक्ट पे जाओ, पेप्सी पे जाओ, थम्सअप वगैरह आई थिंक इन्हीं की है पैकेजिंग, 7 अप है, स्प्राइट है, वो यही डिलीवर कर रही है आई थिंक पैकेजिंग। तो बहुत ही टेंशन नॉट वाली कंपनी है ये, तो आराम से होल्ड कर सकते हो। ये थी सारी डिटेल्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को लेकर। मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई घबराना या चिंता करने का विषय दिख रहा है इन रिजल्ट्स में या फिर मैनेजमेंट की आगे को लेकर गाइडेंस में। स्टॉक का प्राइस टूटना एक अलग बात है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।